बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के बारे में, कुछ जो हिंदी भाषा की जो जानकारी है ना, उसके बाद जन्मेजय का जो नाग यज्ञ किसकी कृति है ना, जन्मेजय का नाग यज्ञ एक तो मतलब है ना, उसने उसको किसने लिखा था, तो वो लिखा था जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है ना, अपनी अपनी जो आत्मकथा होता है ना, अपनी जो बायोग्राफी को खुद उसने ही लिखा है, तो वो है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद होता है हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरण का दे उपहार है ना, हिमालय के आंगन में उससे प्रथम किरण का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। देखो कितना सुंदर ये कविता है ना। और इसमें ये जो कविता है किसने लिखा है, आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरण का दे उपहार है ना, तो हिमालय के आंगन मतलब हिमालय जो पहाड़ है उसी पहाड़ के आंगन में है ना, उसे प्रथम किरण का जो गिफ्ट देता है ना, सूरज हमारा मतलब सूरज हम लोग को क्या दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, तो वो हमारे हम लोग को एक गिफ्ट दे रहा है ना। और उषा ने हंस अभिवादन किया, उषा मतलब सवेरा, उषा मतलब क्या होता है, सवेरा है ना, सवेरा ने उसका अभिवादन किया, उसका स्वागत किया और पहनाया हीरे का हार है ना, और उसको क्या क्या पहनाया, हीरे का हार। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, या विजय शंकर प्रसाद, या मैथिली शरण गुप्त है ना। ये आप लोग को बताना है ये जो कविता है ना, ये कविता को किसने लिखा है, और इस कविता को आप लोग के सामने ये लिखा है जयशंकर प्रसाद है ना। जयशंकर प्रसाद जो हिंदी कवियों में एक बहुत अच्छा कवि माना जाते हैं है ना, जिन्होंने बहुत और अच्छा अच्छा कविता लिखा है हमारे हिंदी भाषा के और हिंदी साहित्य के जगत में है ना, तो उन्हें को हमारा सत सत प्रणाम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंचलिक रचयिता किससे संबंधित होती है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होता है ना, देश विदेश से, लोक विदेश विशेष से है ना, देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, या जाति विशेष से, मतलब जो आंचलिक रचनाएं होता है ना, जो रीजनल है ना, जो हम लोग रीजनल मतलब जो रचना करते हैं है ना, आसपास के जो भाषा है ना, वो आसपास के क्षेत्र से ही होगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, क्षेत्र विशेष से। ठीक है। उसके बाद है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है ना, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख तो कवि कौन है, तो कबीरदास है ना, कबीरदास क्या है, निर्गुण भक्ति है ना, उसमें था ना निर्गुण और सगुण है ना, दो भाग में विभाजित था। ठीक है, उसमें से जो निर्गुण भक्ति वाला कवि है वो है मतलब कबीरदास, वो क्या है, कबीरदास। ठीक है। उसके बाद श्रद्धा किस कृति की नायिका है, श्रद्धा जो है वो किस कृति की नायिका है, तो वह कामायनी, क्या है, कामायनी की नायिका है। उसके बाद है ना, तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पियत न पान है ना, तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पिय ही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है रहीम, कौन है, रहीम। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है कविता में कि तरुवर यानी जो वृक्ष है ना, पेड़ जो है, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, वो दूसरे को खिलाता है ना, उसी तरह से जो पानी हो उसके उसी तरह से जो नदी होता है वो क्या करता है, ये नदी दूसरों को पानी पिलाता है ना, दूसरों का प्यास बुझाता है, इसलिए बोलता है तरुवर फल नहीं खाते है सरोवर पियत न पान। प्रस्तुत कवि के रचयिता कौन है, तो है रहीम, वो कौन है, रहीम। उसके बाद है तरणी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, मतलब इसके जो रचना करने वाला कौन है। ठीक है, तो इसके रचना करने वाला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है बुंदेले हरबलों के मुंहों में हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हरबलों के मुंहों में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी है ना,
तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। इसके रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको हम लोग को याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए, रेलवे का, एसएससी, ग्रुप डी, जिसके भी एग्जाम होगा, ये बार बार मतलब ये ऐसा सवाल आता ही है, ठीक है। ये देशभक्ति वाला सवाल है, ठीक है। क्या है कि बुंदेली हरगोलों के मुंहों में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। उसके बाद है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ में देना तुम फे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीर अनेक, है ना। क्या बोल रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ में देना तुम फे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीर अनेक। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इसके रचनाकार है, मतलब इसको लिखा है, इतना प्यारा सा सुंदर सा कविता को, ठीक है। उसके बाद है, दरवाजे में चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, है ना। बोल रहा है कि दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो है राहुल संकेतायन। कौन है? राहुल संकेतायन। उसके बाद है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। क्या है? प्रशस्ति परक। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। उसके बाद है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो है पुष्य दंत। पुष्य दंत। तो आज का यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।